तो दोस्तों, जो लोग दुबई में काम करते हैं, जो लोग दुबई में आना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि वर्कर से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है, जो भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो अपडेट ये है दोस्तों कि बहुत सारे भारतीयों को, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पर, मुंबई एयरपोर्ट पर और केरला से भी दोस्तों, बहुत सारे लोग को एयरपोर्ट पर क्या हो रहा है कि जैसे ही वो लोग जाते हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, जैसे कि जब हमारा पासपोर्ट चेक होता है, आप देखते होंगे जब लाइन लगता है पासपोर्ट चेकिंग जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे पूछा जाता है, तो बहुत सारे लोगों को, वर्कर को पता नहीं होता, क्योंकि ऑलमोस्ट 80% लोग यहाँ पर आते हैं विजिट वीज़ा पर, और लोग विजिट वीज़ा पर आने के बाद यहाँ पर जॉब सर्च करते हैं, या फिर कोई एजेंट भी बुलाता है तो विजिट वीज़ा पर बुला के फिर उनको जॉब देता है कोई कंपनी में इंटरव्यू मारने के बाद। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि उनको अगर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पूछती है कि आप किस मकसद से जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर विजिट वीज़ा पे दुबई में काम करते हो तो ये अनलीगल है, अगर पकड़े जाओगे तो ह्यूज अमाउंट फाइन आएगा। इसलिए अगर आपको वहाँ पे पूछा जाता है एयरपोर्ट में कि आप किस मकसद से जा रहे हो, तो आप भूल कर भी ये ना बोलना कि मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ या काम करने जा रहा हूँ। आपको सीधा, क्योंकि उन लोग को भी पता होता है कि ये काम ढूंढने नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो लोग को आपको पिछली बताना पड़ेगा कि हाँ मैं घूमने जा रहा हूँ या मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ या जो भी आपका है, लेकिन ये नहीं बोलना कि मैं काम करने या काम ढूंढने जा रहा हूँ, ऐसा कर बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट पर इस तरह का पूछपाछ हो रहा है। तो मैं सोचा आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि मेरा कोई भी वर्कर भाई इस तरह चीज़ के ना पूछे। कोई भी एयरपोर्ट पर अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हो तो आप ये ना बोलना कि मैं वहाँ पे काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे विजिट वीज़ा पे काम करना बिल्कुल अलीगल है। यहाँ आने के बाद कोई कंपनी अगर काम कराती भी है तो आप नहीं करना जब तक ना आपका वर्क वीज़ा लग जाए, यानी आपका ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग जाए, आपके पास इमरत आईडी यहाँ का बन जाए, तभी आप जॉब स्टार्ट करना। तो यह कुछ जानकारी था, यह कुछ अपडेट था, कुछ क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जब तक जय।